नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल में पता लग ही गया होगा कि आज हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है बिहार बोर्ड का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैं उत्तर भी बताऊंगा आपको, इन प्रश्नों को भी समझाऊंगा। तो इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ये जो घंटा दिख रहा है इसे भी आप दबा लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि आपका जो हिंदी का पेपर है वो 100 नंबर का आएगा, जिसमें से कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो मैं एक एक करके तमाम जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है उनके प्रश्न और उत्तर बताते रहूँगा। आप चाहिएगा तो आप भी इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे टाइमर चल रहा है, मैं प्रश्न को बोलने के बाद आपको 5 सेकेंड का समय दूंगा। आप 5 सेकेंड के अंदर में अपना जो उत्तर है वो कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, अमीना हामिद की डैश थी, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि अमीना जो थी वो हामिद की कौन थी। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, दादी, दीदी, नानी, काकी। 5 सेकेंड का समय है, जवाब दीजिए। बिल्कुल, आपको एक प्रश्न के लिए 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना है, तभी आप यहाँ से जो आपका समय बचेगा वो आप जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो क्वेश्चन है लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी वहाँ पे दे पाओगे। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट में सही जवाब आ चुका है, मैं भी आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब है दादी, यानी कि अमीना जो थी हामिद की दादी थी। ये ईदगाह चैप्टर का प्रश्न है जो कि मुंशी प्रेमचंद दास ने लिखा था। आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हामिद मेले से लाता है, यानी कि इस कहानी में हामिद जो है मेले में जाता है, वहाँ से क्या लेके आता है ये आपको बताना है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन, क पिस्तौल, ख चिमटा, ग गुड़िया या घ मिठाई। इसका सही जवाब है ख चिमटा। आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइए, मैं आपका कमेंट पढ़ के बाद में रिप्लाई कर दूंगा। अभी मैं आप लोग का कमेंट इसलिए नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कमेंट पढ़ने के चक्कर में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं, यानी कि जो कहानी होता है उसमें हामिद के पास कुल कितने पैसे होते हैं जब वो मेला जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, क 5, ख 10, ग 3, ग 2। सही जवाब होगा ग 3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर की पहचान है, यह एक तरह से प्रोवर्ब मुहावरा समझ सकते हैं आप। तो ये कहा जा रहा है कि करमवीर की क्या पहचान होती है, क कायर होता, ख चंचल होना, ग साहसी होना या घ जो भाग के भरोसे बैठते हैं उनको करमवीर कहते हैं। देखिए इसका सही जवाब होगा साहसी होना, जो करमवीर होते हैं वो साहसी होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, क प्रेमचंद, ख महादेवी वर्मा, ग रामवृक्ष बेनीपुरी, घ रामचंद्र शुक्ल। जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट में। जी हाँ, इसका सही जवाब है ग रामवृक्ष बेनीपुरी। आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, इसमें मैंने ऐसे कई सारे लेखकों का नाम शामिल किया है जो कि शीर्षक के जो लेखक हैं उनका नाम, इसके काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं एक पूरी एक वीडियो अलग से लाऊंगा जिसमें जो भी चैप्टर के जो भी शीर्षक के जो राइटर होते हैं उनके नाम का वीडियो लाऊँगा। और भी कोई वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बिना किसी देरी के। बाल गोविंद भगत कार्तिक मास में गाते थे, बाल गोविंद भगत कार्तिक मास में क्या गाते थे ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है क, दूसरा ख, ग में प्रभाती और घ में गाना, बताइए।
मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है प्रभाती। सातवां प्रश्न, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? आपको बताना है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, 80 वर्ष, 60 वर्ष, 50 से ऊपर या 90। जी हाँ, काफ़ी सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, इसका जवाब है 60 से ऊपर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हुंडरू की झरने की ऊंचाई क्या है? ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, हुंडरू की झरने की ऊंचाई पूछा गया आपसे, बताइए, क 243, ख 222, घ 245, घ 200 फुट। आप यहाँ पे घड़ी पे टाइमिंग देख लीजिए, आपको 5 सेकंड के अंदर में जवाब देना है। क 243 फुट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? जी हाँ, ठेस कहानी से प्रश्न है, तो आप बताइए फटाफट, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? ऑप्शन है क तेज, ख बेगार, ग बदमाश, घ क्रोधी। तुरंत फटाफट सही, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब था ख बेगार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठेस कहानी के लेखक, आपको ठेस कहानी के जो लेखक है उनका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके क दिनकर, ख अज्ञेय, ग निराला, घ फणीश्वर नाथ रेणु। काफ़ी चर्चित चैप्टर है आपका, आपने बढ़िया से पढ़ा होगा, फटाफट जवाब दीजिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है घ फणीश्वर नाथ रेणु। तो अगला सवाल पढ़ लेते हैं, पीपल, पीपल किसने किसकी रचना है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मैं आपको जो भी राइटर है, काफ़ी कई सारे बुक के उनका नाम शामिल किया, तो मैंने 3 इसमें शामिल किया, और भी आपके 12-15 और शीर्षक के राइटर का नाम रह जाए और मैं उसकी वीडियो एक स्पेशल लाऊंगा। तो आप बताइए फटाफट, पीपल किन की रचना है? क कबीर, ख सूरदास, ग गोपाल सिंह नेपाली, घ बिहारी। इसका सही जवाब है ग गोपाल सिंह नेपाली। और सभी बच्चों से निरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ। तो अगला सवाल देख लेते हैं, सिरचन जो है किस कहानी के नायक? मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसका जवाब, तो आप बिना देरी के बता दीजिए, अब बिना ऑप्शन के भी जवाब दे सकते हैं। देखिए, ठेस कहानी के लेटर थे, तो आप आगे पढ़िए। 13वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के रचना है? बाल गोविंद भगत जो है ये किस प्रकार की रचना है? कहानी है, निबंध है, जीवनी है या रेखा चित्र है? इसका सही जवाब है घ रेखा चित्र। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यकीन का क्या अर्थ होता है? आपको यकीन का समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो फटाफट बताइए, यकीन का क्या होता है? जुल्म होता है, भरोसा होता है, शोभा होता है या जमीन होता है? ये आपको देखिए, यकीन करना क्या है, यानी कि भरोसा करना, तो आप बहुत आसानी से खा मार सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, गदगद होना, बहुत आसान सा मुहावरा है, फटाफट जवाब दीजिए। आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, ऐसे अगर आसान सा क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ ले। कई बार होता है कि एकदम से आपको दिख जाए कोई ऑप्शन, मार दे, फिर दूसरा ऑप्शन, ऐसा भी हो सकता है दूसरा ऑप्शन उससे बढ़िया हो, तो चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ ले उसके बाद दे। यहाँ पे ऑप्शन देखे, खुश होना, परेशान होना, भाग जाना, छिप जाना, आपको पता है गदगद होने का खुश होना है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला है बच्चों की दुआ कवि के लेखक कौन है? यानी कि बच्चे की दुआ जो कविता है उसके राइटर का नाम बताना है। ऑप्शन है इकबाल, दिनकर, नेपाली, कबीर। जल्दी से जवाब दीजिए। जी, इकबाल ने लिखा था, क ऑप्शन सही है। अब अगला आपको बताना है अशोक किस कहानी के नायक है? ऑप्शन है विक्रमशिला, ठेस, ईदगाह, अशोक का सस्त त्याग। फटाफट बताइए, इसके अंदर क्लू छिपा हुआ है आंसर में। जी बिल्कुल, नाम से पता लग रहा था कि ये अशोक का सस्त त्याग से है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं,
अगला सवाल है, त्याग का अर्थ होता है, तो आप फटाफट जवाब दीजिए। त्याग का अर्थ होता है देना, पकड़ना, छोड़ना या सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोड़ना। अगला प्रश्न देखिए, उन्नत का क्या अर्थ होता है, उन्नत का क्या अर्थ होता है, फटाफट बताइए। उन्नत का अर्थ होता है क तंग करना, ख खराब, ग विकसित, घ काम। जल्दी से बताइए। देखिए उन्नति करना यानी कि विकास करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित। अगला प्रश्न देखिए, भागलपुर का प्राचीन नाम है, भागलपुर का प्राचीन नाम क्या है, तक्षशिला, अंग, वैशाली या मगध। सही जवाब है अंग। अगला प्रश्न, मनोरथ का संधि विच्छेद बताएं। मैं एक संधि विच्छेद का भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो संधि विच्छेद करने होते हैं उनका दे दूंगा, जैसे विद्यालय, मनोरथ, इन सब चीज़ का दे दूंगा ताकि आप आसानी से कर पाएँ। तो आप देखिए इसका सही जवाब होगा क, मन प्लस रथ मनोरथ। खुशबू का विलोम शब्द बनाने ही उल्टा बताने, खुशबू का उल्टा क्या हो सकता है, आशा, सुगंध, बदबू, खुशी। सुगंध तो खुशबू एक ही जैसा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उल्टा बताना। आपको ये ध्यान रखिएगा बदबू, कई बार होता है कि आप इसमें पर्यायवाची और उल्टा पूछे तो उसको ध्यान से जवाब दीजिएगा, कई बार ऑप्शन में आसान सा देखने के चक्कर में गलत हो जाता है। जैसे ये बताना है कानन, कानन का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है वैसा ही बताना है, सेम, पर्यायवाची का मतलब उल्टा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा, आप ऑप्शन देख लीजिए पहले, कान, कानना, जंगल या रात। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग, जंगल। कानन का पर्यायवाची शब्द जंगल होता है, जंगल को कानन भी कहते हैं। अब अगला सवाल देखिए, वैसा ही सेम बताना है, पावस, पावस का क्या अर्थ है, सरिता, हंस, वर्षा, रजनी। देखिए आपने कविता पढ़ा होगा उसके अंदर दिया हुआ है, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धारा पे आई, यानी कि वो वर्षा का पहला दिन था, तो पावस का क्या होता है, वर्षा। निराला, आपको बताना है निराला जो है वो किस काल के कवि है, यानी कि निराला जो है किस तरह के कविताएं लिखते हैं, भक्ति काल के लिखते थे, रीति काल का, या फिर आधुनिक काल का, या आदिकाल का। फटाफट सही जवाब दीजिए। देखिए मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ, निराला जो है आधुनिक काल के लेखक है, वो व्यंग वगैरह लिखते हैं। अगला सवाल देखिए, दीन बंधु निराला किस प्रकार की रचना करते हैं। अगला इनका ऑप्शन देख लीजिए, जीवनी, निबंध, डायरी या रेखाचित्र। सही जवाब है निबंध लिखते हैं, ख पे। अगला देखिए, दीन का अर्थ बताएं। देखिए बिल्कुल यहाँ ध्यान रखिए, दीन के दो अर्थ होते हैं, ये आपका दीर्घिकार है और दूसरा जो होता है हर्ष्युकार, उन दोनों का अलग अलग होता है, तो इस तरह ध्यान दीजिए। दीन का अर्थ जो होता है वो होता है गरीब, और ये दिन होता है, इसका अर्थ होता है दिवस, दिन, डे, यानी कि जिसे डे बोलते हो, आज का दिन, कल का दिन, वो ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कथा सम्राट किन्हें कहा जाता है, आप फटाफट जवाब दीजिए। क विद्यापति, ख प्रेमचंद, घ निराला, घ अज्ञेय। इसका सही जवाब है क विद्यापति। वीडियो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं इस वीडियो का पार्ट टू बना देता हूँ, आप लोग को वीडियो पार्ट टू का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से वीडियो का पार्ट टू देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी सी यूट्यूब पर दिक्कत होती है, तो पार्ट टू वीडियो बना रहा हूँ, वो आप भी नीचे लिंक होगा वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना है, बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।